हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से नई रेसिपी के साथ आई हूँ, वो है सूजी की हलवा। गाइस, आप लोग सपोर्ट करें जिससे मैं न्यू रेसिपी के साथ आ सकूँ। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूजी की हलवा बनाने के लिए हमने 1 कप सूजी लिए हैं। हमने बिल्कुल बारीक वाला सूजी लिए हैं, आप चाहे तो मोटे वाले भी यूज कर सकते हैं। और 1 कप लिए हैं देसी घी, और साथ में लेंगे 1 कप चीनी। जिस कप से हम सूजी ले रहे हैं ना, उसी कप से लेंगे घी और चीनी। इसके बाद क्या करें ना, तीनों का माप सेम रखेंगे तभी तो हमारी हलवा परफेक्ट बन पाएगी। और साथ में लेंगे 3 कप दूध। जिस कप से सूजी लिए हैं ना, उसी कप से लेंगे 3 कप दूध। परफेक्ट हलवा बनाने के लिए माप को सही रखें। और साथ में लेंगे 7 से 8 काजू, कुछ किशमिश है और 8 से 10 बादाम है। अब चलते हैं आगे की प्रोसेस की ओर। कढ़ाई गर्म होती है, ऐड करेंगे 1 कप सूजी। हमने घी या तेल अभी ऐड नहीं किए हैं। और क्या करेंगे ना, 3 मिनट तक लो फ्लेम पर रोस्ट कर लें। इस तरह से भूनेंगे ना, हलवा में और टेस्ट आएगा। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ज़्यादा टेस्ट आएगा। ये देखिए कलर चेंज हो गई है, अब इसे निकाल लेती हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। उसी पैन में ऐड करेंगे 2 चम्मच घी। घी को हमने थोड़ा सा ही ऐड किया है, बचा हुआ घी को बाद में ऐड करेंगे। घी को अच्छे से पिघलने दें। घी अच्छे से पिघल गया है, अब ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। किशमिश को हमने अभी ऐड नहीं किए हैं, उसको बाद में ऐड करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। और लो फ्लेम पर हल्का कलर चेंज होने तक भून लें। आप अपना मनपसंद ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। ये हल्का कलर चेंज हो गई है, आप किशमिश को ऐड करेंगे। किशमिश को 5 से 10 सेकंड तक ही भूनें क्योंकि ये बहुत जल्दी डार्क हो जाता है। ये किशमिश फूल गई है, अब इसे निकाल लेती हूँ। अब क्या करेंगे ना, उसी पैन में बचा हुआ घी को ऐड कर देंगे जो बचा के रखे थे। घी अच्छे से पिघल गया है, अब ऐड कर देंगे रोस्ट किया हुआ सूजी और मिक्स कर दें। और लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। जब ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना, तब ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है, और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। अब ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स और मिक्स कर दें। और लो फ्लेम पर 30 सेकंड तक भून लें। जितना बढ़िया भूनेंगे ना, उतना टेस्ट आएगा। भूनते हुए 30 सेकंड हो गया है, अब ऐड करेंगे दूध। दूध ऐड करने से ना बहुत टेस्टी बनता है। हमने गरम दूध ऐड किए हैं, आप चाहे तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, पर पानी को गर्म करके ऐड करें। और सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, ये देख सकते हैं ठीक होना स्टार्ट हो गया है। और मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक पकने दें। हमने 1 कप सूजी में 3 कप दूध ऐड किए हैं। पकते हुए 1 मिनट हो गया है, अभी हमारा हलवा पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। इसी स्टेप पर ऐड करेंगे चीनी, साथ ही ऐड करेंगे इलायची और ऐड करेंगे घी। कप में थोड़ा घी बच गया था ना, उसी को पिघला के ऐड कर रही हूँ। और सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें और मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें। अब बीच बीच में चेक करते रहें। गाइस, आपके पास कैसा रहे तो ऐड करें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। गाइस, काजू और बादाम को ना कट कर भी ऐड कर सकते हैं। पकते हुए 2 मिनट हो गई है और ये हलवा भी गाढ़ा हो गया है। इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, नहीं तो ये और ड्राई हो जाएगा। सूजी को हल्का लिक्विड ही रखें और ये बाद में ना और गाढ़ा हो जाती है। देख सकते हो गाइस, कितना परफेक्ट हलवा तैयार है। और ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, उसे कई ज़्यादा खाने में अच्छा लगता है। सही माप के साथ बनाइए, आपका हलवा परफेक्ट बनेगा। चलिए अब ऑफ कर देते हैं। ये देखिए हमारा रेसिपी तैयार है। गाइस, आज का रेसिपी पसंद आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।